हेलो सब्सक्राइबर्स, आज की वीडियो में बताऊंगा अगर आप भी ईमो ऐप में ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कि वीडियो कॉल है वो वर्क नहीं कर रही है। अगर आप किसी अपने रिलेटिव या फ्रेंड को वीडियो कॉल करने की कोशिश कर रहे हो तो वीडियो कॉल हो नहीं रही है इस ऐप से, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके साथ में शेयर करूँगा कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। आपको कुछ सिंपल से स्टेप हैं उनको अप्लाई करना है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी डिवाइस की स्क्रीन पे आ जाना है। और स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ पे प्ले स्टोर ऐप है, उसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद जिस ऐप में प्रॉब्लम आ रही है उसको यहाँ पे सिंपली सर्च कर लेते हैं हम। तो ऐप को सर्च कर लिया मैंने। ऐप को सर्च करने के बाद यहाँ पे आप अपडेट का ऑप्शन दिख रहा है, तो एक बार अपडेट जरूर कर लीजिएगा। अगर बाई चांस अपडेट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो एक बार अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कीजिएगा अपने ऐप को, आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद एक और सेटिंग भी है, वो भी करनी पड़ेगी। डिवाइस की सेटिंग पे आ जाना है। सेटिंग पे आने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन हमें शो होगा हमारे सेटिंग में ऐप्स का, तो ऐप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा मैनेज ऐप्स का, इस पे क्लिक कर देना है। मैनेज ऐप्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें सारे ऐप्स शो होंगे। यहाँ पे हमें उस ऐप को सर्च करना है जिस ऐप में हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ से मैं अपने ऐप को सर्च कर रहा हूँ, आपको भी वहाँ पे सर्च कर लेना है और उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले स्टोरेज पे आ जाना है। स्टोरेज पे आने के बाद स्टोरेज का क्लियर कैच कर देना है आपको यहाँ से। तो स्टोरेज का क्लियर कैच करना है और क्लियर डाटा मत कीजिएगा, उससे आपका डाटा डिलीट हो सकता है। इसके बाद ऐप परमिशन पे आना है और सारी परमिशन वन बाय वन इनेबल कर देनी है। ध्यान रखना कि कोई भी परमिशन यहाँ से डिनाई नहीं करनी है। तो वन बाय वन सारी परमिशन यहाँ से इनेबल कर देता हूँ। अदर परमिशन पे जाता हूँ, यहाँ भी सारी परमिशन इनेबल कर देता हूँ। आपको भी सेम स्टेप फॉलो करना है जो मैं कर रहा हूँ, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो अदर परमिशन में भी सारी परमिशन मैंने लगभग इनेबल कर दी है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा रिस्ट्रिक्ट डाटा यूसेज का। तो यहाँ पे वाईफाई और मोबाइल डाटा शो हो रहा है, तो इन दोनों को हमें यहाँ से इनेबल कर देना है। वाईफाई और मोबाइल डाटा को इनेबल करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे क्लियर डिफॉल्ट का ऑप्शन देखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे फोर स्टॉप कर दीजिएगा अपने ऐप को, एक बार रिस्टार्ट करें। रिस्टार्ट करने के बाद ट्राई कीजिएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करें।